नमस्कार, अपनी TLM की श्रृंखला में आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ बच्चों को अमात्र शब्दों का अभ्यास कराने हेतु एक बहुत ही आसान और बहुत ही थोड़े समय में बनकर तैयार होने वाला एक शून्य निवेश TLM, जिसे मैंने बच्चों को अमात्रिक शब्दों का अभ्यास कराने के उद्देश्य से बनाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटी छोटी आइसक्रीम नुमा कुछ आकृतियाँ हैं। इनकी सहायता से हम बच्चों को अक्षर ज्ञान भी करा सकते हैं और अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना सिखा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसे मैंने फोल्डर की तरीके से बनाया है। बच्चे के सामने एक एक करके अक्षर आएगा और उससे बच्चा अपने आप से या टीचर की सहायता से शब्द निर्माण करना सीख सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, क स र त मिलाकर क्या बन गया, कस रत। इस प्रकार बच्चा पहले अक्षर पहचानेगा, फिर अक्षरों को मिलाकर वह नए नए शब्दों का निर्माण कर सकता है। यहाँ पर मैंने काफ़ी इस तरह की पट्टियाँ बनाई हैं और छोटे छोटे TLMs बना रखे हैं। चूँकि ये TLM बहुत ही आसानी से बन जाता है और पूरी तरह से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बना है, और ये TLM आप बच्चे के हाथ में दे दीजिए, बच्चा अपने आप से अक्षर पहचान कर धीरे धीरे से शब्दों को बनाकर पढ़ना सीख जाएगा। पहले अक्षर फिर शब्द, जैसे ब र ग द मिलाकर क्या हो गया, बरगद। मैंने इसमें 4 अक्षर वाले शब्द बनाए हैं। आप इसमें अक्षरों की संख्या बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इस TLM को बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसके लिए कोई भी पुरानी पड़ी हुई दफ्ती आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ रंगीन A4 शीट्स ली हैं, आइसक्रीम स्टिक्स, फेविकोल, एक मार्कर लिखने के लिए और एक कैंची। इस थोड़े से सामान से हम एक बहुत ही उपयोगी TLM आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास A4 शीट्स थी, उसको मैंने लंबाई के सापेक्ष मोड़ लिया है और इसको मोड़कर मैंने स्ट्रिप्स के रूप में, पट्टी के रूप में काट लिया है। चूँकि मुझे 4 अक्षर लिखने हैं, 4 अक्षरों वाले शब्द का निर्माण करना है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी लंबी स्ट्रिप्स ली और कलरफुल चार्ट लिए हैं। आप चाहें तो व्हाइट चार्ट पे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन चूँकि छोटे बच्चों का TLM बन रहा है, इसलिए उनकी जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी रंग बिरंगी होनी चाहिए, इसलिए मैंने कलरफुल चार्ट यूज़ किए हैं। अब जो ये चार्ट है, इसको मैं 4 बार फोल्ड कर लूँगी। क्योंकि 4 अक्षर लिखने हैं, इसलिए इस तरीके से अच्छे से मैं इसको 4 बार इस प्रकार फोल्ड कर लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जो दफ्ती थी मेरे पास, उसको भी मैं उसकी लंबाई के सापेक्ष काट लूँगी, कुछ इस तरीके से। कोई भी पुरानी पड़ी हुई दफ्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको काट लिया है। अब जो ये एक फोल्ड की चौड़ाई है, उससे थोड़ा सा कम चौड़ाई लेते हुए हम इस दफ्ती की भी पट्टियाँ काट लेंगे। उससे चौड़ाई जो हमारा कागज़ का फोल्ड बनाया था, थोड़ी सी दफ्ती की चौड़ाई उससे हम कम रखेंगे। क्यों कम रखेंगे, अभी यह भी आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार मैंने जो दफ्ती थी उसके भी 4 टुकड़े काट लिए हैं। आयताकार टुकड़े मैंने इसकी लंबाई के सापेक्ष काटे हैं। और इस प्रकार ये देखिए, सारे टुकड़े कट गए। अब ये जो पट्टी थी, इसके अपोजिट साइड में जिधर से मोड़ा था, उसके पीछे की साइड में आप इस प्रकार से इन दफ्तियों को चिपकाएंगे कि दो दफ्तियों के बीच में काफ़ी मोड़ने भर का मार्जिन बचे। क्योंकि अगर आप बीच में, दो दफ्तियों के बीच में मार्जिन नहीं देंगे तो मुड़ेगी नहीं। अब हम इन पट्टियों को फेविकोल की सहायता से अपने इस चार्ट पे जो हमने पट्टी काटी है उस पर चिपका लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन देते हुए। दो दफ्तियों के बीच में हम थोड़ा सा मार्जिन देते हुए इन पट्टियों को चिपका देंगे, कुछ इस तरीके से। इस प्रकार हमने इन पट्टियों को चिपका दिया है, आप देख सकते हैं। और इनको हम फोल्ड करके देखेंगे, आराम से फोल्ड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पट्टियों के बीच में मार्जिन नहीं रखेंगे तो ये फोल्ड नहीं होंगी।
अब जो ये हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स थी, इसमें एक स्टिक हम फर्स्ट वाले फोल्ड पे चिपकाएंगे, फर्स्ट वाली पट्टी पे, और दूसरी स्टिक हम दूसरे छोर वाली पट्टी पर चिपका देंगे। और चूंकि ये मजबूती से चिपक जाए, इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर कुछ सेलो टेप से इसको चिपका के और मजबूत बना दूंगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने सेलो टेप से इसको मजबूती से चिपका लिया है। अब हम इसको पीछे की ओर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए आसानी से ये फोल्ड हो जा रहा है। अब जो भी हमें शब्द लिखना है उसके अक्षरों को एक एक पट्टी पर हम पेन से, कलर पेन से या स्केच से हम लिख लेंगे। चूँकि मार्कर मोटा होता है इसलिए मैंने यहाँ पर मार्कर का प्रयोग किया है। इस प्रकार मैंने पहला शब्द बरगद लिख लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं मोटा सा करके हाईलाइट कर लूँगी। चूँकि छोटे बच्चों का ये TLM है इसलिए अक्षर जितने मोटे होंगे उतने ज़्यादा वो आकर्षक लगेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अक्षरों को मार्कर से ही थोड़ा सा मोटा करके बना लिया है। और ये TLM बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कुछ ही समय में आराम से इस TLM को हम बना सकते हैं। जैसा कि TLM की खासियत भी होती है कि TLM ऐसा होना चाहिए जो शून्य निवेश से बना हो, कम समय में बना हो और बच्चों की पहुंच में आसानी से पहुंच सके, बच्चों तक उसकी पहुंच हो। और ये TLM अगर टूट भी जाता है तो इसे दोबारा हम बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पहला जो मेरा शब्द था उसको मैंने लिख लिया है और इसको हम पीछे की ओर से, जैसा कि मैंने बताया, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे और ये हमारा TLM बनके रेडी हो गया। इस तरीके की मैंने बहुत सारे अक्षर और मिलाकर शब्दों का निर्माण करने हेतु बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप्स मैंने बना ली हैं। इसे मैंने आइसक्रीम का नाम दिया है, देखने में ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगती हैं। और इस TLM की सहायता से हम बच्चों को 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द और 5 अक्षर वाले शब्दों का भी अभ्यास करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये जो TLM होते हैं जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बच्चों की पहुंच में होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे अन्य TLM की तरह मेरा ये TLM भी बच्चों को निपुण लक्ष्य हासिल करने में उपयोगी सिद्ध होगा।